एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के एक अनाज व्यापारी से ईडी का फर्जी अधिकारी बनकर 2 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दुर्ग पुलिस की टीम अलग अलग टीमें उनकी तलाश कर रही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। बता दें कि फर्जी ईडी की टीम बनाकर 5 लोग काले रंग की स्कॉर्पियो से मंगलवार दोपहर दुर्ग के पारक कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। वे सीधे पैडी प्रोसेसिंग का काम करने वाले व्यापारी अखिलेश उर्फ विनीत गुप्ता के पारक कॉम्प्लेक्स स्थित ऑफिस पहुंचे। उन्होंने ऑफिस का दरवाजा बंद किया और विनीत को ईडी अधिकारियों का फर्जी आईडी कार्ड दिखाते हुए धमकी देकर उसके लॉकर में रखा 2 करोड़ रुपए को जब्ती बनाने की बात कहते हुए गाड़ी में रखकर वहां से फरार भी हो गए। मोहनगर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी के यहाँ पे कुछ लोग ईडी के अधिकारी बन करके गए फर्जी। वहाँ पे उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया और उनसे तलाशी के नाम पर जो उनके पास रकम रखी थी लगभग 2 करोड़ वो उनसे हड़प लिया और साथ में उनको भी अपने साथ कुछ दूर ले गए और फिर वहाँ से उनको छोड़ करके पूरी रकम लेकर के आगे बढ़ गए। इस मामले पर तत्काल हम लोगों ने सूचना मिलते ही अलग अलग टीम बनाई और टेक्निकल इनपुट सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने उनको ट्रेस किया है तो महाराष्ट्र में उनका लोकेशन मिला है। टीम हमारी रवाना हो चुकी है महाराष्ट्र में। कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी मामले का खुलासा हो जाएगा।